हम लोग जान गए कि चीजें जो होती है वो बहुत ही आसान है, और यप्सी की जो वैल्यू होती है वो होती है क्या यम्बी स्क्वायर अपान आर। लास्ट जो केस है हम लोगों का वो क्या है, वो है आपका मौत का कुआं जिसे कहते हैं हम लोग डेथ बेल रोटर। ओके, इसमें होता क्या है ध्यान से देखिएगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आपका जो ये बंदा होता है, अब इस बंदे को आपको नीचे गिरने से बचाना है। नीचे गिरने से बचाने के लिए आपको देना होगा कुछ स्पेसिफिक वेलोसिटी, और उस वेलोसिटी का मान कहां से आएगा पहले ध्यान से देखिए। ये नीचे इसका क्या काम कर रहा होता है, नीचे इसका यमजी काम कर रहा होता है, नीचे इसका यमजी काम कर रहा होता है, ऊपर लिमिटिंग फ्रिक्शन काम कर रहा होता है। तो यहां पर एक इक्वेशन आपकी क्या बन जाती है कि ये जो लिमिटिंग, ये जो लिमिटिंग लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होता है डियर, वो होता है आपका एफ एल, और एफ एल इजिकल टू यहाँ पे एम जी के बराबर होता है। एफ एल जो होता है वो एम जी के बराबर होता है। और लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में आप लोगों को इतना तो मालूम होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में इतना तो मालूम होगा कि एफ जो लिमिटिंग होता है वो क्या होता है म्यू एन। अब बात ये आती है कि ये जो नॉर्मल है, ये जो नॉर्मल है ये नॉर्मल कौन सा है। तो नॉर्मल जो यहां से अंदर की तरफ फोर्स लग रहा होता है, याद रखना ये जो अंदर की तरफ फोर्स लग रहा है, तो अंदर क्या लग रहा है, अंदर आपका लग रहा है, अंदर आपका लग रहा है FC, जिसका वैल्यू कितना है FC, जिसका वैल्यू है आपका mv स्क्वायर अपॉन r। तो फाइनली आपने क्या किया, फाइनली आपने इस म्यूल को mg को इक्वेट किया किसके, म्यू एन के। और ये क्या है, ये इतना पोर्शन आपका क्या है, ये इतना पोर्शन आपका है क्या एन। तो म्यूनियन एन एम बी स्क्वायर अपान आर। अब यहां से आते हैं आप एम जी को जब इसके इक्वेट किए तो क्या हो गया, एम बी इसको इधर ले आइए, एम बी स्क्वायर अपान आर इज इक्वल टू जी, तो वी स्क्वायर बराबर जी आर अपान म्यू, तो वी बराबर आ गया जी आर अपान म्यू का रूप। यानी आपके पास एक इक्वेशन आई, वो इक्वेशन क्या आई, वो इक्वेशन आई वेलोसिटी इज इक्वल टू अंडर रूट म्यू, अंडर रूट म्यू क्या जी आर अपान का म्यू। ये वो स्पेसिफिक वेलोसिटी होती है जो आपको मेंटेन रखनी होती है डेथ वेल में आप नीचे ना गिरे। तो मुझे लगता है ये जानकारी आपको बहुत ही जबरदस्त लगी होगी।